हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज हम बताने वाले हैं मेल हिंदी, ठीक है, मीडिया क्या है और इसका प्रकार है। ठीक है, देखो मीडिया के से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जो पिछला सेट था उसमें से पूछा गया था। ठीक है, तो चांसेस है कि अगला जिसका एग्जाम है 3 को और 4 को उसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मीडिया क्या और इसका प्रकार को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मीडिया से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा, लेखन मीडिया बोलो पड़ता है, ठीक है, तो इस चीज़ों को जब आएगा तो आप लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, तो वही मैं बताने वाला हूँ, एकदम बिल्कुल शॉर्ट में मैं बताऊँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, खाली छोड़ने से बेहतर है कुछ तो पढ़ लोगे। ठीक है, देखो मीडिया क्या है और इसका प्रकार। मीडिया एक प्रकार का उपकरण है, मतलब उपकरण मतलब क्या, एक हथियार है सोचो तो, या हम कह सकते हैं कि संचार का साधन है। संचार मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ एक जगह से दूसरा जगह चल जाता है ना, उसको बोलते हैं संचार। तो हो सकता है कि मीडिया क्या है ऐसे दे सकता है क्वेश्चन, या तो फिर अगर ये दे देगा कि संचार क्या है तब भी आंसर यही होगा। मीडिया मतलब ही एक जगह से दूसरे जगह जाता है, कोई मान लो वीडियो बना रहा है तो मीडिया के थ्रू वहाँ के थ्रू यहाँ पर पहुँचता है, तो उसी को संचार भी बोलते हैं। ठीक है, तो मीडिया और संचार दोनों एक ही है। ठीक है, जो चीज़ें एक जगह से दूसरे जगह पहुँचता है, ठीक है, जिसकी सहायता से कोई भी सूचना या खबर लोगों के पास पहुँचता है, लोगों के बीच में पहुँचता है, पहुँचाया जाता है, और किसके थ्रू, मीडिया के थ्रू। तो मीडिया क्या, एक साधन है, संचार है, जिसकी सहायता से कोई भी सूचना या खबर लोगों के पास, लोगों के बीच में क्या किया जाता है, पहुँचाया जाता है, उसको हम लोग मीडिया कहते हैं। ठीक है, या तो फिर संचार कहते हैं। अब देखते हैं मीडिया के उदाहरण, इसका एग्जांपल क्या है। तो देखो मीडिया के अंतर्गत समाचार पत्र आएगा, समाचार पत्र, क्योंकि समाचार पत्र के माध्यम से भी घटना कहीं और होता है, छापता कोई और है, लोगों के बीच में पहुंचता है। दूरदर्शन, दूरदर्शन मीन्स हो गया लोगों को अलग अलग तरीका से बता करके, समझा करके, इस टाइप से भी लोगों के बीच में क्या किया जाता है, जानकारी दिया जाता है। रेडियो के थ्रू जानकारी दिया जाता है, टेलीफोन के थ्रू जानकारी दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, लोगों के बीच पहुंचाया जाता है। आज फेसबुक का ज़माना हो गया, ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बीच में के थ्रू भी क्या किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह जानकारियों को पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं मीडिया के प्रकार कौन कौन से हैं। तो मीडिया के अनेकों प्रकार होते हैं, मीडिया के अनेकों प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित हैं। मीडिया के कौन प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है, तो मीडिया के अनेकों प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित हैं। देखो रेडियो भी मीडिया का प्रकार है, जो एक जगह से दूसरे जगह चीज़ों को पहुंचाया जाता है, खबरों को पहुंचाया जाता है, टेलीविज़न के भी माध्यम से, रिकॉर्डिंग के भी माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, और प्रिंट मीडिया इत्यादि। प्रिंट मतलब जो भी चीज़ को प्रिंट करके, जैसे अखबार प्रिंट होता है, तो ये सब चीज़ों के माध्यम से भी क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ आप लोग देख लीजिए, रेडियो है, टेलीविज़न है, रिकॉर्डिंग है, इंटरनेट है, मोबाइल है, प्रिंटिंग मीडिया है। अब एक का करके आपको एक्सप्लेन कर देना कि रेडियो के थ्रू कैसे पहुँचाया जाता है, टेलीविज़न के थ्रू कैसे पहुँचाया जाता है, रिकॉर्डिंग के थ्रू कैसे, इंटरनेट के थ्रू कैसे, मोबाइल के थ्रू कैसे, हम डायरेक्ट चलेंगे प्रिंट मीडिया में, क्योंकि प्रिंट मीडिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप उधर एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रेडियो, टेलीविज़न, रिकॉर्डिंग, इंटरनेट, मोबाइल छोड़ दो, डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देना आप लोग को प्रिंट मीडिया के माध्यम से। ठीक है, लेकिन नंबर में भी थोड़ा सा ये होगा, तो आप लोग प्रयास करना कि सारा क्या कर देना, एक्सप्लेन कर देना, या तो फिर डायरेक्ट प्रिंट मीडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसी को आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उपरोक्त लिखिए सभी संचार, ये सब संचार है, मतलब ये जो रिकॉर्डिंग, टेलीविजन, ये सब क्या देख रहे हैं, सब संचार है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से लेकर के दूसरे जगह लोगों के बीच खबर पहुंचाया जाता है इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से। तो जो भी कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है उसको संचार बोलते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त लिखे सभी संचार, यानी कि ऊपर लिखा गया जितने भी सारे संचार के साधन थे वो सब मीडिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सब मीडिया के अंदर काम करते हैं, वो जितना भी मीडिया के अंदर ही सारा काम करता है, चाहे टेलीविजन ले लो, मोबाइल ले लो, इंटरनेटिंग ले लो, सब चीज़ मीडिया के अंदर ही काम करते हैं। ठीक है, सभी संसाधनों की सहायता से हमें अपने समाज के साथ साथ देश की, विदेशों की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ और समस्याओं की जानकारी मिलता है। वही सब संचारों के माध्यम से हमें अपने देश की, दूसरे देशों के जानकारियाँ प्राप्त होती है, स्थितियाँ प्राप्त होती, क्या समस्या है, ये सब चीज़ों की जानकारियाँ प्राप्त होती है। अब आते हैं प्रिंट मीडिया क्या है। ठीक है, डायरेक्टली पहुँचाते हैं प्रिंट मीडिया पर। देखो प्रिंट मीडिया मीडिया का सबसे पुराना साधन है, प्रिंट मीडिया सबसे पुराना साधन है। क्यों, क्योंकि पहले से चलते आ रहा अखबार जो प्रिंट होकर के लोगों को पहुंचता है, लेकिन क्या अभी प्रिंट मीडिया का ये जमाना है नहीं, अभी डायरेक्ट मोबाइल पर पहुंच जाता है सबका। ठीक है, तो प्रिंट मीडिया मीडिया का सबसे ज़्यादा पुराना साधन है। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत मुद्रण से प्रकाशित होने वाले संचार के साधन आते हैं। मुद्रण मीन्स जो भी चीज़ें लिख करके उसे लिखा जाता है, जो मुद्रा की मुद्रित से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, जो न्यूज़पेपर पर लिखा जाता है, अखबार, पत्र, पत्रिका, किताब इत्यादि प्रिंट मीडिया के उदाहरण है। प्रिंट मीडिया मतलब क्या, जो प्रिंट होते हैं, तो हमें पहले के ज़माने में किताबों के थ्रू, पत्र पत्रिका के थ्रू, ये सब अखबार के थ्रू लोगों के पास जानकारियाँ पहुंचता था। ठीक है, ये नहीं कि मोबाइल पर फटाक से सेंड कर दिए। तो ये प्रिंट मीडियम का कौन कौन सा एग्जाम्पल है, अखबार हो गया, पत्र पत्रिका हो गया, किताब हो गया, ये सब इत्यादि हमारा क्या, प्रिंट मीडिया का ये है, यानी प्रिंट मीडिया का उदाहरण है। अब देखते हैं मीडिया के कार्य और भूमिका, कि मीडिया का कार्य और भूमिका क्या है। तो मीडिया सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, मीडिया संपूर्ण विश्व एक या खबर को लाती है, संपूर्ण विश्व से यह खबर को लाती है, तथा संपूर्ण विश्व की खबर प्रदान भी करती है, मतलब वहाँ संपूर्ण विश्व से खबर लाती भी है और संपूर्ण विश्व में खबर पहुँचाती भी है।
इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव तथा विश्व बंधुत्व की भावना विकसित होती है। और इससे क्या होता है, हमारा देश विदेशों में खबरें मिलता रहता है, और इससे हमारा देश विदेश एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है वहाँ के लोग देखते हैं, वहाँ क्या हो रहा है यहाँ के लोग देखते हैं, इस प्रकार से सारे लोग कनेक्ट रहते हैं, एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मीडिया लोगों को अपने विचार एवं भावनाओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है। देखो मीडिया क्या करती है, लोगों को अपने विचार भावनाओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है। आप लोग देखते होंगे मीडिया वाले क्या करते हैं, लोगों को प्रॉब्लम सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं मीडिया वालों की वजह से लोगों को अपना प्रॉब्लम, अपना भावना, अपना विचार प्रदान करने का मौका मिलता है कि मीडिया वालों के पास जाएं और हम अपना विचार को प्रदान करें कि मुझे क्या समस्या तकलीफ हो रहा है। मीडिया मनोरंजन एवं शिक्षण संबंधित कार्य भी करती है। देखो मीडिया ऐसा नहीं कि सिर्फ खबरें दिखाती है, वो क्या करती है, मनोरंजन की जैसा शिक्षा से प्रणाली, शिक्षा से संबंधित चीज़ों को क्या करती है, कार्य भी करती है, जैसे कलात्मक हो गया, ऐतिहासिक हो गया, तथा शिक्षण से जुड़ी फिल्म हो गया, शिक्षा से जुड़ी सारी फिल्म को भी वो सब बताते हैं, कलात्मक के बारे में बताते हैं, ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में बताते हैं, हर चीज़ों के बारे में बताते हैं जिससे हमें कोई ज्ञान आता है। मनोरंजन की भी चीज़ें दिखाते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड भी दिखाते हैं, हमारे ऐतिहासिक चीज़ों को भी दिखाते हैं। ठीक है, अब लास्ट है कि मीडिया और लोकतंत्र में संबंध है, कि मीडिया और लोकतंत्र में क्या संबंध है। तो देखो मीडिया के बिना लोकतंत्र तो संभव ही हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो लोकतंत्र मीडिया के बिना अधूरा है। लोकतंत्र क्या है, मीडिया के बिना अधूरा है। मीडिया तथा लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। सभी को पता होगा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। मीडिया विश्व के विभिन्न देशों का खबर प्रदान करती है। लोकतंत्र के विकास में मीडिया का अहम भूमिका है। लोकतंत्र के विकास में मीडिया का क्या अहम भूमिका, यानी कि अगर लोकतंत्र में विकास का अगर ये होना है कि लोकतंत्र का विकास हो, लोकतंत्र का विकास तभी होगा जब मीडिया का विकास होगा, तो लोकतंत्र का विकास में मीडिया का एक अहम भूमिका है, बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को कैसा लगे, एक छोटा सा वीडियो था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।